ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर कई मैसेज चल रहे हैं हलाल फूड को लेकर। इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि खाने पीने की आम चीजों को भी हलाल सर्टिफिकेट लगाकर क्यों बेचा जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके पास भी ऐसा मैसेज आया हो और आपने ऐसी पोस्ट देखी हो। दरअसल कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिनमें दिखाया गया था कि लोग हिंदू फल दुकान के पोस्टर लगाए बैठे हैं। झारखंड पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। इसके बाद पुलिस ने बैनर हटवाए। कुछ दुकानदारों ने पुलिस की कार्रवाई देख खुद ही बैनर हटा लिए। पुलिस कार्रवाई के बाद ट्विटर पर हिंदू फोबिया इन झारखंड टॉप ट्रेंड में रहा। इस ट्रेंड के जरिए लोगों ने पुलिस और सरकार को घेरा। साथ ही खाने पीने की दुकानों की तस्वीरें शेयर की जिनमें हिंदू मुसलमान के आधार पर दुकानों के नाम लिखे दिखाई दिए। इसी के बाद तस्वीरें चलाई जाने लगी जिनमें सत्तू से लेकर नमक तक के पैकेट पर हलाल लिखा हुआ था। आज यानी 11 मई को भी बायकॉट हलाल प्रोडक्ट्स ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो हलाल सर्टिफिकेशन की तरह ही धार्मिक सर्टिफिकेशन की भी डिमांड कर डाली है। माने सनातन धर्म के हिसाब से जो चीजें बनी हो उन पर धार्मिक सर्टिफाइड लिखा हो। चलिए इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है हलाल और हराम। आमतौर पर हलाल शब्द मांस वगैरह के संदर्भ में इस्तेमाल हुआ होता है। आपने सुना भी होगा इससे पहले इसके बारे में, लेकिन इसका मतलब सिर्फ मांस तक सीमित नहीं है। इस्लामिक काउंसिल के अनुसार हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कानून सम्मत या जिसकी इजाजत शरिया इस्लामिक कानून में दी गई हो। ये शब्द खाने पीने की चीजों, मीट प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, दवाइयाँ, खाने में पड़ने वाली चीजों सब पर लागू होता है। हराम उसका ठीक उलट होता है, यानी जो चीजें इस्लाम में वर्जित हों, लिपस्टिक से लेकर दवाइयां तक सब कुछ हलाल और हराम की श्रेणी में बांटे जा सकते हैं। अब उदाहरण से समझिए कि किस तरह का मांस हलाल है। ऐसे जानवर का मांस जिसे अल्लाह का नाम लेकर जिबह किया गया हो तेज धार वाली छुरी से, जानवर ने दूसरे जानवरों को मरते हुए ना देखा हो, जानवर को जिबह करने से पहले अच्छी तरह से देखभाल कर रखा गया हो, जानवर के सामने छुरी तेज ना की गई हो। अब जानिए किस तरह का मांस हराम है। ऐसा जानवर जिससे अल्लाह का नाम लेकर जिबह ना किया गया हो, एक झटके में मारा गया जानवर, ऊंचाई से गिरकर मरे जानवर का मांस, सुअर, शेर, कुत्ते, भेड़िए का मांस। अब समझिए गैर मांस वाली चीजें कैसे हलाल या हराम है। उदाहरण के तौर पर कई लिपस्टिक्स में ऐसा रंग मिलाया जाता है जो कीड़ों को मसल कर मिलता है, ऐसी लिपस्टिक्स हराम मानी जाती हैं। इसी तरह दवाइयाँ या स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिसमें सुअर के मांस या चर्बी का इस्तेमाल हुआ हो उन्हें हराम माना जाता है। कौन देता है ये हलाल सर्टिफिकेट और किन मसलों में, किन मामलों में ये जरूरी है? दि ललन टॉप ने बात की वरिष्ठ पत्रकार जिया उस सलाम से, ये कुरान के जानकार हैं। उन्होंने हमें बताया वेजिटेरियन खाने को लेकर हलाल या हराम के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है इस देश में। ये नियम उन प्रोडक्ट्स पर लागू होता है जिसमें जानवरों के मांस या उनके शरीर के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल हुआ हो। भारत में ये सर्टिफिकेशन का काम मुख्य रूप से जमीयत उलेमा ए हिंद जैसे संस्थान करते हैं। इनका अपना हलाल ट्रस्ट है जो इन सभी नियमों का ध्यान रखते हुए सर्टिफिकेशन देता है। हलाल इंडिया, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे प्राइवेट संस्थान भी हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। इनको भारत सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। बाहर के देश जैसे सिंगापुर, मलेशिया भी इनके हलाल सर्टिफिकेट को मान्यता देते हैं। अभी जानिए कि कैसे मिलता है हलाल सर्टिफिकेट। इसकी जानकारी के लिए हमने बात की सैयद मोहम्मद इमरान से, ये हलाल इंडिया के ऑपरेशंस हेड हैं। इन्होंने बताया कोई भी कंपनी जब हमें अप्रोच करती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके पास FSSAI का लाइसेंस है या नहीं। उसके बाद हम कंपनी की डिटेल्स अपनी ऑडिट टीम को बढ़ाते हैं। ये लोग जाकर इंस्पेक्ट करते हैं कि कंपनी जो कुछ भी बना रही है उनमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसके बाद टीम वापस आकर रिपोर्ट जमा करती है। सब कुछ संतोषजनक होने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस पूरी सर्विस के लिए फीस ली जाती है, सर्टिफिकेशन कोई चार्ज नहीं होता। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए जिन मानकों का ध्यान रखा जाता है अब उनके बारे में जान लीजिए। पहला, पोर्क कंटेंट, यानी सुअर या सुअर के मांस से जुड़ी कोई भी चीज प्रोडक्शन में इस्तेमाल तो नहीं हुई। इसमें मांस से लेकर चर्बी, चमड़ी, फर सब कुछ शामिल है। प्रोडक्शन ही नहीं, उसकी पैकिंग में भी किसी ऐसे तत्व का इस्तेमाल तो नहीं हुआ जो पोर्क से जुड़ा हो। दूसरा, अल्कोहल कॉन्टेंट, एक तय मात्रा में इंडस्ट्रियल अल्कोहल को मान्यता दी गई है, लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह के अल्कोहल का इस्तेमाल वर्जित है। हालांकि दवाइयों के मामले में ऐसा कहा गया है कि अगर वो लाइफ सेविंग ड्रग है तो उसका इस्तेमाल करना हलाल है। आमतौर पर हलाल सर्टिफिकेट तीन तरह से दिया जा सकता है। पहला, प्रोडक्ट्स को, इसमें कोई भी कंपनी अपना एक प्रोडक्ट सर्टिफाई करवा कर सकती है और वो प्रोडक्ट कहीं भी बेचा जा सकता है नॉन हलाल सर्टिफाइड चीज़ों के साथ भी। दूसरा, प्रोडक्शन करने वाली जगहों, फैक्ट्रियों को, इसका मतलब यह है कि इस फैक्ट्री में बनने वाली सभी चीज़ें हलाल होंगी। जैसे कोई बूचड़ खाना है, अगर उससे हलाल सर्टिफिकेट मिलता है इसका मतलब वहां काटने वाला सारा मांस हलाल तरीके से काटा जाता है। तीसरा, रिटेल स्टोर दुकानों को,
रेस्टोरेंट या होटल भी इनमें आते हैं, यानी इनमें बना खाना और यहाँ मिलने वाला सभी चीज़ें हलाल हैं। भारत में बेचने के लिए हलाल लोगों क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। इमरान ने बताया कि जिस तरह शाकाहारी लोग खाने के पैकेट्स पर ग्रीन डॉट देखकर मानते हैं कि खाना शाकाहारी है, इसी तरह इस्लाम को मानने वाले लोग हलाल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। उनके लिए हलाल लोगों का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट बनाने में सारी गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया है। अंत में समझिए हलाल बिजनेस। जैसा आपने ऊपर पढ़ा, इस तरह के मैसेज खूब चलाए जा रहे हैं कि नमक या सत्तू जैसी चीज़ों को हलाल सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है। दुनिया के इस्लामिक देश कुवैत, मलेशिया, कतर, लीबिया इत्यादि और कई दूसरे देश जहां मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी है, वहां व्यापार करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के तहत आने वाले सभी 57 देश इसमें शामिल हैं। यही वजह है कि पतंजलि जो पूरी तरह शाकाहारी प्रोडक्ट्स बनाती है, उसे भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ा। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक दुनिया भर में रह रहे 1.6 अरब मुस्लिम दुनिया की जनसंख्या के 23% हैं। यही नहीं, राइटर्स के मुताबिक पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थों के बिजनेस में 12% हिस्सा हलाल फूड का है। ऐसे में कंपनियों को ये लगता है कि हलाल की बढ़ती हुई मांग को नज़रअंदाज नहीं किया सकता, इससे एक बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसीलिए पतंजलि ऐसी कंपनियां भी हलाल सर्टिफिकेशन ले रही हैं। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारी साथी प्रेरणा ने। देखते रहिए दिल एंड टॉप। शुक्रिया।